नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के ऊपर। और ये एक तरह का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है स्पेशल हेमेटोलॉजी में, और इसको रूटीनली परफॉर्म नहीं करते। तो जब भी कोई स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें रिकमेंड रहता है, उसी कंडीशन में इसको किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं और उसके स्मेल्स कैसे बनाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोन मैरो के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बोन है, बोन के बीच में जो एक कैविटी रहती है, उस कैविटी को ही बोन मैरो कहते हैं। और जो बोन्स के सेल्स हैं, आप देख सकते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं ये बोन को बनाते हैं, और इसके अलावा बोन का रिजप्शन भी करवाते हैं। तो ये एक बोन के स्ट्रक्चर के बारे में था। अगर हम इसकी कैविटी के बारे में देखें, तो कैविटी के बीच में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में कि ब्लड वेजल्स होते हैं, और ब्लड वेजल्स के चारों तरफ बहुत सारे जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, RBC सीरीज के, WBC सीरीज के और प्लेटलेट सीरीज के। तो आपको यहाँ पे सारे सेल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, मेगा कैरियोसाइट है, ये काफ़ी बड़ा सेल होता है और इससे ही प्लेटलेट बनते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे माइलाइड की जो एरिया है, या माइलाइड जो सेल्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, माइलोब्लास्ट हो सकते हैं। तो जो जो भी इमेच्योर सेल्स होते हैं WBC के, लिम्फोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, वो सारे यहाँ पे आपको इस लीनियज में दिखेंगे। दूसरी ओर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं जो रेडिश एरिया सा है, वो एक्चुअली एथेरॉयड प्रकर्सर्स हैं, यानी एथेरॉयड एथेरोब्लास्ट है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट है, नॉर्मोब्लास्ट है, इंटरमीडिएट है, लेट है, ये सारे जो हैं इनसे RBCs बनते हैं। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस बीच बीच में पाए जाते हैं, रेटिकुलम सेल्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी मिल सकते हैं। तो इस टाइप के जो सारे सेल्स हैं ये बोन मैरो के अंदर आपको मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि यही जो सेल्स हैं मैच्योर होकर ब्लड में ये आते हैं और ब्लड में फिर ये सर्कुलेट होते हैं। तो ये एक बोन मैरो का स्ट्रक्चर था। तो हमको बोन मैरो कब कब करनी चाहिए, इसके इंडिकेशंस होते हैं कुछ। तो कुछ प्रकार के जो अनीमिया होते हैं उनमें बोन मैरो रिकमेंडेड रहती है, जैसे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो गया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो गया, प्लास्टिक अनीमिया, सिडरोब्लास्टिक अनीमिया। तो इस तरह के जो अनीमियाज हैं इनमें बोन मैरो से डायग्नोसिस बनाया जा सकता है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। दूसरी ओर कुछ नियोप्लास्टिक कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया हो गया, मल्टीपल मायलोमा हो गया, या आपके लिम्फोमाज हो गए, इनमें भी बोन मैरो का रोल रहता है और आप बोन मैरो का एक डायग्नोसिस बना सकते हैं। दूसरी ओर इन्फेक्शन हैं, स्पेशली जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या और भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस हैं वो आप उसमें भी ये रिकमेंडेड रहता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, जो इनबॉर्न इनबॉर्न एरर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, उनमें भी इसमें जैसे गाउचर्स डिसीज हो गई, और इस तरह से जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी बोन मैरो को किया जाता है। अगर हम इसके मेथड्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे दो तीन मेथड होते हैं। तो बोन मैरो एस्पिरेशन के नीडल के बारे में जानना ज़रूरी है इसमें हमको, कि कौन कौन सी नीडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो लेफ़्ट साइड में नीडल है इसको सलाह नीडल बोलते हैं, और दूसरी क्लीमा नीडल बोलते हैं। और जो सलाह नीडल होती है, इसमें जो गार्ड होता है वो एक्चुअली गार्ड और जो साइड स्क्रू इसमें एक्चुअली मिलता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सलाह नीडल है, बहुत सलाह बोन मैरो नीडल है। दूसरी ओर जो क्लीमा नीडल होती है, इसमें जो गार्ड और स्क्रू होता है वो अलोंग दी लेंथ ऑफ दी नीडल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये दोनों जो नीडल होती हैं ये बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज की जाती हैं। और इनके जो एडवांटेज होते हैं, ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होता है, दूसरा सेफ रहता है, पेनलेस होता है, तो ज़्यादा इसमें पेन भी नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जब भी फाइब्रोटिक मैरो होती है तो ये इससे हम एस्पिरेट नहीं कर सकते। दूसरा, जो जब बोन मैरो एस्पिरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद एक जो रिलेशन होती है बोन मैरो टिश्यू की और सेल्स के बीच में वो लॉस्ट हो जाती है, जबकि वो बायोप्सी में प्रिजर्व रहती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि बोन के अंदर जो नीडल है उसको डाला जाता है, उसके बाद उसमें से जो जो उसका बोन मैरो फ्लूड है उसको एस्पिरेट करते हैं,
और उसको उसके स्मेयर बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स बोन है, उसके बाद इनर स्पॉन्जी लेयर है, उसके बाद बोन मैरो है अंदर की तरफ, और यहाँ पे आप एस्पिरेशन नीडल को देख सकते हैं। दूसरी ओर एक और जो प्रोसीजर होता है उसको माइक्रो ट्रफेन बायोप्सी बोलते हैं, और इसमें अलग टाइप की जो नीडल होती है उनको यूज़ करते हैं। तो इसमें इस्लाम्स बोन मैरो नीडल का यूज़ होता है, और दूसरा जमशीदी नीडल का उपयोग होता है। तो ये दोनों ही नीडल एस्पिरेशन के भी काम आती हैं, दूसरा उसका ट्रिफिन बायोप्सी के भी काम आती हैं। तो इन दोनों प्रोसीजर को करने के लिए ये ओपीडी में इनको कर सकते हैं हम, आउट पेशेंट जो रहती है ओपीडी उसमें इसको किया जा सकता है। दूसरा ये बहुत सिंपल प्रोसीजर नहीं होता है, इसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं इसको करने के लिए, तो इसके बारे में ट्रेनिंग पूरी होना चाहिए। तो जो जमशीदी नीडल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, और दोनों ही चीज़ों में इसको यूज कर सकते हैं, बायोप्सी में और साथ में साथ एस्पिरेशन में। तीसरा प्रोसीजर होता है सर्जिकल बायोप्सी का, तो इसमें ऑपरेशन के अंदर पेशेंट को ले लिया जाता है, और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही पेशेंट के उसमें से जो साइट्स हैं वहाँ से बोन मैरो को निकाला जाता है। और इसमें ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसको बार बार हम नहीं कर सकते हैं सर्जिकल प्रोसीजर को, और ये कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स हो गया या ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, तो इन सब कंडीशन में भी हम इसको अवॉइड करते हैं सर्जिकल बायोप्सीज को। तो अगर हम साइट ऑफ एस्पिरेशन की बारे में बात करें, तो जो कॉमनेस्ट साइट होती है जहाँ से हम बोन मैरो यूजली निकालते हैं वो स्टर्नम होता है, और दूसरी साइट होती है इलियक क्रस्ट, और तीसरा होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, और चौथा जो होता है अपर एंड ऑफ द टीबिया इन चिल्ड्रन बिलो द 2 ईयर ऑफ एज। तो ये चार पांच जो कॉमन साइट हैं बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, और यहीं से हम लोग जो बोन मैरो नीडल है उसके द्वारा बोन मैरो को निकालते हैं। तो जब बोन मैरो को निकाल लेते हैं तो उसके स्मेयर बनाने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि नीडल जो स्लाइड है थोड़ा उसको इंक्लाइन कर लिया जाता है, और उसके ऊपर जो बोन मैरो का मटेरियल है उसको पोर किया जाता है, और पोर करने के बाद जो इसमें एक्चुअली जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो मैरो फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो स्लाइड पे बचे रहते हैं। फिर दो स्लाइड को आपस में जोड़ के उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाता है, जिससे कि दोनों स्लाइड में स्मेयर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं डी में यहाँ पे कि दोनों ही जो स्लाइड्स हैं उनमें बोन मैरो के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आ गए हैं। तो इस तरह से हमको जब बोन मैरो एस्पिरेट कर लेते हैं उसके बाद जब स्मेयर बनाना होता है तो इसको इस तरह से बनाया जाता है, पहले इंक्लाइन किया जाता है मतलब कुछ एंगल देके उस पर जो स्लाइड होती है उसके ऊपर बोन मैरो मटेरियल डाला जाता है, उसके बाद दोनों को दो स्लाइड्स को लेके आपस में अपोजिट डायरेक्शन में खींच के दो स्मेयर बनाए जाते हैं। तो हम इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें तो जो एरियाज दिखते हैं बोन मैरो के वो थोड़ा डार्क ब्लू मासेस की तरह होते हैं, और उनके बीच में फैट के जो वैक्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, या फैट के जो फैट सेल्स एक्चुअली पाए जाते हैं। तो जो नॉर्मो सेलुलर मैरो होती है उसमें 50 से 60% तक मैरो सेल्स हो सकते हैं, और करीब 40 से 50% तक ये आपके फैट सेल्स हो सकते हैं। तो इन दोनों का एक प्रोपोर्शन होता है, हेल्थी इंडिविजुअल में ये दोनों 50-50% होते हैं। तो जब मैरो की सेलुलरिटी कम होती है तो उसको हाइपो सेलुलर मैरो कहते हैं, यानी डिक्रीज सेलुलरिटी, यानी सेल्स कम दिख रहे हैं उस मैरो में। दूसरा, उसमें फैट का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, तो फैट ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाइपो सेलुलर मैरो में आपको सेलुलरिटी कम रहेगी लेकिन फैट का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दूसरी ओर जो हाइपर सेलुलर मैरो है तो इसमें सेलुलरिटी काफ़ी बढ़ जाती है और फैट का जो कंटेंट है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। जो कई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें अप्लास्टिक एनीमिया जैसे हो गया, तो उसमें मैरो की जो सेलुलरिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो वो हाइपो सेलुलर मैरो कहलाती है। दूसरी ओर अगर हम हिमोलिटिक एनीमिया देखें तो या ल्यूकीमियाज देखें तो उसमें हाइपर सेलुलरिटी ज़्यादा मतलब सेलुलर हो जाती है मैरो, तो उस मैरो को बोलते हैं हाइपर सेलुलर मैरो। अगर हमको इसको रिपोर्ट करना है तो हमको इन सब चीज़ों पे कमेंट करना होता है कि जो बोन मैरो की जो सेलुलरिटी है वो कैसी है, हाइपो सेलुलर है या हाइपर सेलुलर है या नॉर्मो सेलुलर है। दूसरी ओर उसका रिएक्शन कैसा है, यानी ज़्यादातर कौन से सेल्स दिख रहे हैं, नॉर्मो ब्लास्टिक है, माइक्रो नॉर्मो ब्लास्टिक है या मैग्लो ब्लास्टिक रिएक्शन है, तो वो देखा जाता है।
तीसरा इसमें जो मायलॉयड एथ्राइड का जो रेशियो है जो 3:1 होता है ये, तो इसमें 3 मायलॉयड सेल होते हैं और 1 एथ्राइड सेल होता है। तो इस तरह से ये रेशियो होता है मायलॉयड एथ्राइड रेशियो, तो ये 3:1 रहता है। तो इसके बारे में भी हमको कमेंट करना होता है। और उसके बाद हमको जो लीनेज सेल्स हैं जैसे इरिथ्रोपोइसिस है, तो RBC का मैच्योरेशन कैसे हो रहा है, या वो एथ्रोपोइसिस किस तरह से चल रही है, सप्रेस्ड तो नहीं है, नॉर्मल है, तो ये सब अपन को डिस्कस करना होता है। दूसरा ल्यूकोपोइसिस, इसी तरह से मैगा कैरियोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस हम WBC के बारे में हम देखते हैं, या जो उसके प्रकर्सर सेल्स हैं उनके बारे में कमेंट करते हैं। और मैगा कैरियोसाइट्स के में जो आपके मैगा कैरियोसाइट्स मैगा कैरियोपोइसिस में मैगा कैरियोसाइट्स के बारे में कमेंट किया जाता है कि वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, या नंबर में बढ़ गए हैं कि कम हो गए हैं, इस तरह से। प्लाज्मा सेल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कई कंडीशंस में, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं उनमें सब में ये प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाते हैं। कुछ कंडीशन में आपके पैरासाइट्स हमको मिल सकते हैं, तो उसमें मलेरिया हो गया। मलेरिया के अलावा आपका और भी जो पैरासाइट्स होते हैं, कालाजार का पैरासाइट, इस तरह से जो पैरासाइट हैं वो हमको मिलते हैं, है ना। और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो भी कई प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम अबनॉर्मल सेल्स के बारे में भी हमको कमेंट करना चाहिए। और लास्ट में हमको जो आयरन की जो स्टडीज़ हैं अनीमिया को रूल आउट करने के लिए, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को रूल आउट करने के लिए आयरन स्टडीज़ की जाती हैं। अगर हम बोन मैरो के डिफरेंशियल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइलोब्लास्ट जो होते हैं 1 से 2% के आसपास रहते हैं, प्रोमाइलोसाइट 5 से 6%, और माइलोसाइट 14 से लेकर 20% तक होते हैं, और मेटामाइलोसाइट जो है 20 से लेकर 25% के आसपास होते हैं, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं या न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो करीब 25 से लेकर 30% के आसपास होते हैं। लिम्फोसाइट होते हैं 10 से 15 के आसपास, और प्लाज्मा सेल्स भी 1% तक पाए जा सकते हैं या 0.5 से लेकर 1%। मोनोसाइट होते हैं 1 से 2%, और इसके बाद रेटिकुलम सेल्स हैं, और इसके बाद भी और कुछ जो सेल्स होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से एक ये बोन मैरो का जो डिफरेंशियल काउंट है, और इसमें जब भी हम बोन मैरो के सेल्स को काउंट करते हैं तो हमको 500 सेल्स की काउंटिंग करना चाहिए, और उसके बाद ही इसकी डिफरेंशिएट करना चाहिए इसको। तो स्टेनिंग के लिए हम आप देख सकते हैं कि इसमें पहले जो स्मेयर है बोन मैरो को उनको फिक्स किया जाता है, फिक्स करने के बाद उनको एयर ड्राई किया जाता है, और एयर ड्राई करने के बाद उसमें लीशमैन स्टेन के द्वारा हम इसको स्टेन कर सकते हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट उस पर जो स्टेन है स्लाइड के ऊपर डाल के रख सकते हैं। और उसके बाद जब उसकी स्टेनिंग हो जाती है और उसमें स्टेन डालने के बाद डबल अमाउंट में डिस्टिल वाटर डाला जाता है, और उसके बाद 10 से 15 मिनट उसको रख के टैप वाटर से वाश किया जाता है, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे अप्लास्टिक एनीमिया हो गया, तो इसमें जो सेलुलरिटी रहेगी वो हाइपोसेलुलर हो जाएगी, मैरो और फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा, रिएक्शन नॉर्मोब्लास्टिक रहेगा, माइलॉयड एथ्राइड रेशियो भी अल्टर्ड हो जाएगा, और जो तीनों लीनेज हैं एथ्रोपाइसिस ल्यूकोपाइसिस और मैगा कैरियोपाइसिस ये तीनों ही सप्रेस्ड हो जाएंगी, और इसमें प्लाज्मा सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, और इसमें कोई पैरासाइट नहीं दिखता है और ना ही कोई अबनॉर्मल सेल्स दिखता है। और आयरन का स्टोर हम यूजली करते नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड जो उसमें किया जाता है ये। तो इस तरह से एक एप्लास्टिक अनीमिया का जो है वो एक प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, या उसकी जो मेन पैरामीटर्स हैं बोन मैरो को उन पर कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्लोप्लास्टिक जो अनीमिया होता है उसमें भी जो मैरो सेलुलरिटी है वो नॉर्मल सेलुलर रहती है, नॉर्मल ब्लास्टिक की जगह यहाँ पे नॉर्मल ब्लास्टिक है, मैगलोब्लास्टिक एक्चुअली रिएक्शन होता है, और दूसरा माइलॉयड एथ्राइड रेशियो भी अल्टर्ड हो जाता है, एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज्ड होती है, और मैगा मैगलोब्लास्ट इसमें एक्चुअली देखे जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जो है वो एसिंक्रोनी मिलती है। उसके अलावा ल्यूकोपोइसिस भी डिक्रीज हो जाती है, और जॉइंट मेटामाइलोसाइट्स इसमें मिलते हैं। और तीसरा जो है वो जो मैगा कैरियोपोइसिस होती है, और इसमें यूजली नॉन फंक्शनल मैगा कैरियोसाइट्स हमको मिलते हैं, और प्लाज्मा सेल्स इसमें नॉर्मल रहते हैं, पैरासाइट नॉर्मल रहते हैं, और नॉर्मल सेल में मैगलोब्लास्ट ही देखे जाते हैं। तो इस तरह से हम एक छोटा सा ये ओवरव्यू था मैगलोब्लास्टिक अनीमिया का। इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में देखें तो इसमें भी जो सेलुलरिटी होती है वो नॉर्मल सेलुलर रहती है, और रिएक्शन माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक होता है, और ये भी माइलॉयड एथ्राइड से अल्टर्ड हो जाता है। और इसमें एथ्रोपोइसिस जो है इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा नंबर में इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट दिखते हैं, और ल्यूकोपोइसिस नॉर्मल होती है, और मैगा कैरियोपोइसिस या तो बढ़ जाती है या फिर नॉर्मल रहती है। प्लाज्मा सेल्स नॉर्मल रहते हैं, पैरासाइट नहीं देखते हैं इसमें, कई बार पैरासाइट को
पे कमेंट करते हैं नॉट सीन और अबनॉर्मल सेल्स को देखते हैं कि वो हैं कि नहीं, और दूसरा आयरन स्टडीज इसमें करते हैं। तो आयरन स्टडीज़ में आयरन स्टोर जो हैं उनका डिप्लीशन हमको दिखता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था बोन मैरो एग्जामिनेशन के ऊपर। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।